उद्धव ठाकरे भाजपा से मिलाएंगे हाथ। देवेंद्र फडणवीस ने दिए नजदीकियां बढ़ने के संकेत। कहा, मेरे दोस्त को किसी ने झूठ की भांग पिलाई, मैंने उसे माफ किया। विरोधियों पर छापा, बदले से नहीं हो रही है क्या? मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं, फडणवीस के बयान पर ठाकरे ने दिया जवाब। मुंबई में अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ फिर से होगी बूंदाबांदी, मौसम विभाग ने जताई संभावना। मुंबई में अचानक बढ़ने लगे कोरोना के मामले, डॉक्टर्स ने बदलते मौसम को बताई वजह। मंगलवार को मुंबई का पारा रहा 39 डिग्री के पार, गर्मी के टूटे सारे रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से 14,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान, जिलाधिकारियों को शिंदे सरकार ने सहायता प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया। ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर मंडरा रहा है खतरा, पुरातत्व विभाग ने जारी की रिपोर्ट। अप्रैल से मई महीने के बीच महा विकास अघाड़ी सरकार की राज्य भर में होगी सभा, 15 मार्च को मुंबई में भी सभा, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ी। महा विकास अघाड़ी की पहली सभा 2 अप्रैल को छत्रपति संभाजी नगर में, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, परभणी में भी होगी सभा। विले पार्ले के होली के जश्न में देमारा पानी भरा गुब्बारा, सिर पे लगा तो हो गई व्यक्ति की मौत। बोरीवली कोर्ट रीडेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए के बजट पास होने के बावजूद नहीं हुआ भूमि पूजन, बार काउंसिल ने कहा, हम इस कोर्ट के विकास में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं चाहते, इसलिए नहीं करेंगे भूमि पूजन। बोरीवली कोर्ट ने रीडेवलपमेंट का भूमि पूजन नहीं होने से नाराज भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, कोर्ट पहुंचकर जताई नाराजगी, कहा, मेरे बिना भूमि पूजन करो लेकिन भूमि पूजन करो। थाने में 10वीं बोर्ड एग्जाम में लेट पहुंचा छात्र, एग्जाम देने से किया गया मना, पिता की कार से दुर्घटना में होने के कारण लेट पहुंचा था। कल्याण में होली वाले दिन एक डॉक्टर की पिटाई, डोंबिवली डॉक्टर एसोसिएशन ने इस घटना का विरोध किया, डॉक्टर्स पर होने वाले हमलों को रोकने की मांग। महाराष्ट्र के हर मेडिकल कॉलेज में आज से ब्रेस्ट कैंसर उपचार हुआ शुरू, प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने महिला दिवस के अवसर पर दी किया उद्घाटन। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र में सुरक्षा व्यवस्था में अपनी ड्यूटी निभा रही महिला पुलिस बल की महिला अधिकारियों व कर्मचारियों का मुख्यमंत्री शिंदे ने किया अभिवादन। मुंबई में नौसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, क्रू मेंबर सुरक्षित। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना में शामिल विधायक बच्चू कड़ू को कोर्ट ने 2 साल की सुनाई सजा, बच्चू कड़ू को 2017 में नासिक के तत्कालीन मनपा आयुक्त के साथ मारपीट के मामले में ये सजा सुनाई गई। मुंबई मेट्रो 2B को आंशिक रूप से 1 साल बाद यानी 2024 में मांडले डेपो और चेंबूर के बीच खोला जाएगा। कार्यकर्ताओं की मांग के बाद मनसे के वरिष्ठ नेता मनीष धुरी ने दिया इस्तीफा, इस्तीफे का पत्र देकर राज ठाकरे को बोले जय महाराष्ट्र। होली पर जमकर काटा गया चालान, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले 73 बिना हेलमेट ड्राइविंग करने वाले 10,000 से अधिक बाइकर्स पर जुर्माना लगाया। मुंबई में सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 55,630 रुपए तोला जबकि चांदी 65,550 रुपए किलो। वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधानसभा में किया गया बजट पेश, राज्य की अर्थव्यवस्था के 6.8% बढ़ने की उम्मीद। पेंशन खाते की KYC अपडेट कराने के आए कॉल तो हो जाए सावधान, धोखाधड़ी में रेलवे कर्मचारी के 7.38 लाख रुपए डूबे। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर साधा निशाना संजय राउत को उद्धव ठाकरे की बताया आइटम गर्ल।